हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में न्यूट्रल और अर्थ के डिफरेंस को समझेंगे कि न्यूट्रल क्या होता है और अर्थ क्या होता है। देखिए, यहाँ पर मैंने एक स्विच बोर्ड शो किया हुआ है और इससे एक फैन कनेक्टेड है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए दो वायर आ रहे हैं। जो रेड कलर का वायर है वो फेस वायर है और जो ब्लू कलर का वायर है वो न्यूट्रल वायर है। हमको पता है फेस वायर में 230 वोल्ट वोल्टेज होता है, अराउंड 230 वोल्ट सिंगल फेज सिस्टम में, और न्यूट्रल जो वायर है उसमें वोल्टेज जीरो होना चाहिए आइडियली। प्रैक्टिकली सम वोल्टेज इज देयर बट यहाँ पे आइडियली जीरो वोल्टेज होता है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो होती है इस तरीके से और ये अप्लायंसेस में जाती है। इस तरीके से अप्लायंस में जाएगी और यहाँ इसकी वाइंडिंग में कनेक्टेड होगा और यहाँ पे वर्क करके मीन्स इससे सर्किट को कंप्लीट करके वापस इस न्यूट्रल वायर के थ्रू यहाँ पे रिटर्न पाथ प्रोवाइड कराता है न्यूट्रल करंट। इस तरीके से क्लोज लूप या क्लोज पाथ बनाएगी और ये आपका फैन रोटेट होगा। अब देखिए, ये जो तीसरा वायर है ग्रीन वायर, ये सबस्टेशन से या ट्रांसफार्मर से नहीं आता, ये हम ही को करना पड़ता है। तो ये जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है सबसे बड़ा वाला सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हम एक वायर को लेते हैं और यहाँ से प्रॉपर अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग की प्रोसेस होती है, इस वायर को डायरेक्ट अर्थ में हम लोग नहीं इंसर्ट करते हैं, कॉपर प्लेट के हेल्प से हम इसको यहाँ पे अर्थिंग करते हैं और चारकोल वगैरह वहां पे सॉल्ट डालते हैं। अब देखिए, अगर नॉर्मल वे में तो ये फैन काम कर रहा है बट इंसुलेशन फेल्योर होता है, अगर मींस ये वायर अगर कहीं से कॉन्टेक्ट में आता है इस फैन की बॉडी में इंसुलेशन फेल्योर के कारण, क्योंकि प्लास्टिक इंसुलेशन होता है और वो मेल्ट हुआ अगर और ये कांटेक्ट में आया इसकी बॉडी पर, और बॉडी पे नॉर्मली कोई भी वोल्टेज नहीं है, हम इसको टच करते हैं तो हमें कोई शॉक नहीं लगता, बट इस केस में जैसे ये वायर इसकी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज है 230 वोल्ट यहाँ पे अपियर हो जाएगा इसमें फैन में। अब जैसे ही ये वोल्टेज यहाँ पे अपियर होगा और कोई भी ह्यूमन बींग अगर इसको टच करता है, यहाँ पर इस फैन को टच करता है क्योंकि इसकी बॉडी में 230 वोल्ट है, तो उस ह्यूमन बींग को शॉक लगेगा और उसकी बॉडी के थ्रू जो करंट है वो अर्थ में जाएगी और उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसकी जो बॉडी है उसको इस अर्थिंग वायर से कनेक्ट करते हैं और अगर ऐसा कोई केस होता है शॉर्ट सर्किट का जिसमें कि आपका वोल्टेज यहाँ पे इसकी बॉडी में अपियर हुआ है, ये जो आपका लाइव वायर है, ये जो लाइव सिस्टम है आपका, अगर ये इसकी बॉडी में कनेक्ट हुआ है तो उसका 230 वोल्ट इसकी बॉडी पर आएगा। उस केस में ये जो अर्थिंग वायर है ये क्या करेगा, इस पाथ के थ्रू उस करंट को क्या करेगा, अर्थ कर देगा। बिकॉज अर्थ क्या है, एज अ सोर्स और एज अ ड्रेन हम यूज कर सकते हैं, ओके। और ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है अराउंड 1 किलो ओम होता है और अगर उसको करंट फ्लो होगा भी बॉडी में तो बहुत कम होगा और उसे शॉक नहीं लगेगा। और मेजर जो करंट होगी इस केस में क्या होगी, ये अर्थिंग सर्किट के थ्रू यहाँ पे अर्थ हो जाएगी और कोई भी डैमेज होने से बच जाएगा। इसमें इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे और इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।